लेक्चर नंबर 11 मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन की थी लास्ट लेक्चर में, तो ये आप लोगों के पास बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ, जिनका ऑर्डर सेम होता है हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर 2/3 है। दूसरा मैट्रिक्स कोई ई होगा, उसका ऑर्डर भी अगर 2/3 है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए है 2, 4, -2, 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स बताया था कि नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, -8। सिंपल इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, -2, -4, -2, -1। तो ये इस मैट्रिक्स का -8 है वो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। सिमिलरली आपके बुक में एक और क्वेश्चन है f(3√1 − 1, 2√2), इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -f(-3√-1 − -+-2√), तो ये आपका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैट्रिक्स ए बी एंड आपके पास बुक में और भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं सी डी, उसमें से कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, देन फाइंड, हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस दिस मैट्रिक्स और सिक्स पार्ट दिया मैंने -1 × b। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए में ये मैट्रिक्स ऐड करना है, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो हम यहाँ लिखेंगे, प्लस ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 0, 2 + 1, 3, 2 + 1, 3, 1 + 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन है, -1 × b, -1 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, b मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 - -+1। इसी तरह की और आपके पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज में, तो आपने वो खुद सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।